हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट थर्ड ऑफ माई बेस्टीज बर्थडे ब्लॉग। और हम लोग गए थे म्यूजियम ऑफ इल्यूजन में, जो कि फीपी में लोकेटेड है। बहुत मतलब वी वर वेरी एक्साइटेड, यू नो। और फिर सेल्वी गई, उसने सबसे पहले टिकट ली। इसकी टिकट है पर पर्सन 650 रुपीज़ वीक डेज पे। फिर हमें इस लेडी ने उसके बाद हम लोग चल पड़े अपनी इस इल्यूजन वाली जर्नी के ऊपर। और हम सबसे पहले गए इस उल्टे हो गए हम मतलब जैसे कि हम उल्टे हो गए क्योंकि यहाँ पे ना सब कुछ उल्टा रखा हुआ था। और हमें ना पोजेस में ना फोटोज़ क्लिक करवाई, बहुत सारी बड़ी सही सी फोटोज़ आई। इट वॉज रियली फन। देन ये वाला ना बड़ा सही टिल्टेड रूम ऐसे वाइब्रेट कर रहा था जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। मतलब आप खड़े नहीं हो सकते हो सीधा, आई मीन आप ना ऐसे वो हो जाओगे, स्लाइड से हो जाओगे और वो वाइब्रेट करता रहेगा। देन ये बड़े रैंडम से इल्यूजन से यहाँ पर भी हमने देखा, मज़ा आया इसको देखकर। इट वॉज लाइक आँखों की आई कैंडी थी ये तो। देन ये टनल, यार ये टनल इतनी सही थी ना, मतलब यू विल फील लाइक आप एक टनल में घुस गए हो और सब कुछ गोल 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 घूम रहा है। मतलब इतना सही इल्यूजन बनाया हुआ था ये वाला, वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगी अब तक का सिंस बिगनिंग। इसके बाद हम लोग गए फ्रेम रूम में। फ्रेम रूम में बड़ा सही था, यहाँ पर सेल्वी बड़ी हो गई, मैं छोटी, फिर मैं बड़ी, सेल्वी छोटी। यहाँ पर एक कैमरा पर्सन खड़ा होता है, उसको अपना फ़ोन दो और वो ना एक सही एंगल से आपकी पिक्चर्स लेता है ताकि आप ऐसे छोटे और बड़े से दिखो। देन ये ना वेल है एक, मतलब इतना गहरा है ओ माई गॉड। ऊपर से भी नहीं, कुछ गहरा वहरा नहीं है ये, बस देखने में ऐसा लगता है, इल्यूजन ऐसा बनाया हुआ है, आपको लगेगा आप कितने बड़े से कुएं के ऊपर खड़े हो गए हो यार। लेकिन ये ठीक है, थोड़ा बच्चों वाला था बट ठीक है, फन। देन ये महात्मा गांधी वाली फ़ोटो ना, इट विल फील यू लाइक कि आप जैसे जैसे मूव कर रहे हो आपके साथ मूव करेगी। और ये डबल रिंग वाले जो सिस्टम है ना, ऐसा लग रहा है कि रिंग अलग अलग है जब ये तेज घूमेगा, बट नहीं, ये ना रिंग्स जुड़ी हुई थी आपस में। और ये जो था ये थोड़ा नॉर्मल था, इल्यूजन देता है फेस का। देन इनका सेलिंग था पार्ट, इनका सेकंड सेक्शन है आइंस्टाइन, जिसमें बड़ी सही चीज़ें दे रखी है, रीजन दे रखा है, लॉजिक दे रखा है, आप ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर दिखेगा, फिर आप फिर उसके बाद है ना हम लोग आगे गए। यार ये बड़ा सही था फ्रेम वाला, इसमें ना आप खड़े हो सकते हो, डिफरेंट पोजेस में फ़ोटो ले सकते हो, लाइक दो बंदों को जोड़ के, बट हमसे हो नहीं पाया। फिर इनके सपोर्ट ने हमें हेल्प किया और ये रिजल्ट था। देन उसके बाद यार ये थोड़ा सा आंखों के इल्यूजन से कुछ अजीब से जो मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे, जिनका कोई लॉजिक नहीं बन रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों थे ये, बट ठीक है, दे वर नाइस। और जैसे ये था भाई लेंथ नाप नहीं, कौन सा बड़ा सा है कौन सा छोटा है, तो ये भी हमने ट्राई किया, इट वॉज रियली फन। साथ में मेजरमेंट के लिए स्केल दिया होता है इसको, यार ये बहुत सही था। आप लटक लटक के पोजेस बना सकते हो, लटकना नहीं होता, आपको लेटना होता है नीचे एंड देन शीशे पे वो आपकी वीडियो लेते हैं। नाउ ये वाला जो है ये बड़ा सही आपको फील आएगा कि आपको ना ट्रे पे कोई सर्व करके दे रहा है कोई खाने के लिए, आप ना आपकी गर्दन कट चुकी है, वो वाला फील देता है। तो ये वाला भी सही था, बट मैं दिखाती हूँ कैसे भी होता है। ये बैक साइड में ना इसके यहाँ पर ये होल सा बना हुआ है, यहाँ से आपको घुसते हैं, शूज़ उतारना मैंडेटरी नहीं है, मर्जी है आपकी। तो यहाँ पर आप घुसो और फिर फोटो क्लिक करो, थी सही सही थी, अलग अलग पोजेस में मज़ा आ जाएगा। देन हम लोग की बात की, यार ये ना ऐसा लगता है ब्लैंक स्क्रीन जैसी होती है ना, वैसा टाइप का लग रहा था, बट पास में जाके देखोगे ना ऊपर नीचे होके तो इसके अंदर ना शक्लें दिखेंगी, रियल जैसे बंदा खड़ा होता है वैसी फील आती है। और उसके बाद उनके भी आगे लिखा हुआ था उसका लॉजिक, रीज़न सब कुछ दिया हुआ था। और कुछ रैंडम पिक्चर्स भी थी जो हम नॉर्मली भी देखते हैं फेसबुक पे इन सब पे, तो वो भी थे। ये कोई लाइटनिंग इफेक्ट वाला इल्यूजन था, लगेगा मल्टीपल विंडोज है यहाँ पर, तो वैसे वाला था, बट ये अच्छा था। देन ये बर्निंग लावा वाज सुपर्ब, सच्ची। और ये वुडन वाले पजल्स जो होते हैं ना, जो हैंड वाले पजल्स होते हैं, हाथों से जोड़ो बनाओ सॉल्व करो वो। देन हम आ गए यहाँ पर इन्फिनिटी रूम में, यार ये बहुत सही था, मिरर मेज टाइप का, इतने सारे मिरर थे यहाँ पर, लाइटिंग बड़ी अच्छी थी। मतलब आपको पोजेस अच्छे आते हैं ना ऐसी जगह कर रहे हैं, तो आप इतनी अच्छी अच्छी फोटोज ले सकते हो ना। फिर इनके जो टीम मेंबर है वो आया यहाँ पर, उसको हमने बोला कि प्लीज वाली दो चार फोटो खींचो, बिकॉज थर्ड पर्सन हैड टू बी देयर यार वहाँ पे फोटो खींचने के लिए आपका ना, वहाँ पे हमने फोटोज खिंचवाई बहुत सारी। और ये कैसीनो वाला बहुत सही है, यहाँ पर भी आप पोजेस ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे पोजेस यार, इट फील लाइक कि आप बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हुए हो। कलर रूम बहुत नॉर्मल सा था, मतलब बड़ी सारी लाइटें आ रही थी और आपको खड़े होकर पोजेस दे रहे हैं। दैट्स इट। थर्ड पोर्शन इनका जो है वो है रिवर्स्ड,
यार ये वाला जो इल्यूजन था ना, ये था कि भाई आप मतलब चलोगे ना, ये वो फील ना कि आप इस डोर के अंदर से जा रहे हो और ये भी आपके साथ मूव कर रहा है, मतलब प्रॉपर ऐसी फीलिंग आई कि इट इज ऑल्सो मूविंग। ये जो चीज़ थी ना, इसमें ना आपको अपना फोन इनको देना है और अपना फेस अंदर रखना और ये बहुत सारी फोटोज क्लिक करती है। देन बेसिक से जैसे ये वाला ब्लैक डॉट को देखो, ग्रे पोर्शन गायब हो जाता है, ये वाला लाइटें रोटेट करती हैं डिफरेंट कलर्स में, रेड में, ब्लैक में, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर ना करने के लिए। देन इनका शॉपिंग सेक्शन ये बहुत अमेजिंग था, अमेजिंग चीज़ें थी यहाँ पर, कलर चेंजिंग वाले लैंप्स थे और ये जो था ना ये बहुत सही था, आपके हाथ पर रिस्पॉन्ड करता है। और देन उन्होंने बताया कि ये ना आपकी आवाज़ पर भी, साउंड पर भी ये रिस्पॉन्ड करता है बहुत अच्छे से। थोड़े और अमेजिंग से छोटे छोटे से प्रोडक्ट से मैंने कुछ लिया तो नहीं इनका कुछ गिफ्ट वगैरह, बट ठीक है, देखने में दे वो वेरी नाइस, लाइक बच्चे ले सकते, बच्चों के लिए तो अच्छा ही था। वी वर डन, हमारा हो गया, उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से और हम घर जाने से पहले नेचर्स की आइसक्रीम खाई हम लोगों ने। देन उसके बाद हम लोग चले गए मेट्रो स्टेशन वॉक करते करते और मेट्रो स्टेशन के बाद हम चले गए घर। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक